आप सभी का स्वागत है। बैंक अधिकारियों ने घर समेत युवक को भी किया सील। फरीदाबाद में बैंक कर्मियों ने घर समेत परिवार को भी सील कर दिया है। घटना डबुआ कॉलोनी की है। इस बारे में जब बैंक के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो कहा गया है कि बुधवार सुबह 11 बजे तक इस सील को नहीं खोलेंगे। बताया जा रहा है कि युवक ठगी का शिकार हुआ है। युवक के एक परिचित ने गलत कागज दिखाकर घर के एवज में बैंक से पैसे ले लिए हैं। यूपी में 8 साल की लड़की के साथ टॉयलेट में रेप, 6वीं क्लास में पढ़ता है आरोपी। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कक्षा 3 की एक छात्र के साथ उसके स्कूल के ही कक्षा 6वीं के एक छात्र और छात्र के दो भाइयों द्वारा कथित रूप से दुष्कर्म किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बागपत के रमाला क्षेत्र के एक गांव में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शौचालय के अंदर 8 वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। इंडिया गेट पर बेकाबू डंपर ने 8 साल की बच्ची और उसके पिता को कुचला, मौके पर मौत। दिल्ली के इंडिया गेट पर सोमवार देर रात एक बेकाबू डंपर ने 8 साल की बच्ची समेत कुल 4 लोगों को रौंद दिया। घटना में बच्ची और उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लूट के इरादे से आए आरोपी ने ज्वेलर की गला रेतकर की हत्या। पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली के द्वारका से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यह एक घर में लूट के इरादे से घुसे कुछ आरोपियों ने एक ज्वेलर की गला रेतकर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।